गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का नया दिन स्टार्ट हुआ है। हो सकता है आप लोग भी अच्छे से रहे होंगे। आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग है। हम लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए आज अपने सेकेंड इंटर लेग, फर्स्ट इंटर लेग को कंप्लीट करके सेकेंड लेग में आ चुके हैं। और ये अभी हम लोग का जो एरिया है, कोई बात नहीं, गुड लक का साइन भी हो सकता है। आज हम लोग पोनानी सेक्टर पे आए हैं और यहाँ पर हमारा टारगेट है, फिर इसको करते हुए फिर आगे कासरगोड को जाएंगे, है ना। तो आज नया दिन, नया उम्मीद, नया अपॉर्चुनिटी, इसके साथ हम लोग नए दिन का शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारे ईश्वर पिता का धन्यवाद है कि आज का नया दिन हम लोग को देखने का मौका दिया है और एक नया अपॉर्चुनिटी को, नया चैलेंज को लेने का मौका दिया कि हम लोग इसको फुलफिल कर सके। आज मेरे साथ इस वीडियो में हमारे मित्र भी रहेंगे। ये है हमारे मित्र पुरुषोत्तम सुरु, ये भी भूमौती की विद है। और ये है हमारे संदीप यादव सर, जो हमारे टेक हैंड है और बहुत ही कर्मठ इंसान, अपने काम के प्रति बहुत ही जागरूक है ना। एकदम समय से पहुंच गए हैं। अब हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं हमने इंस्ट्रूमेंट को। तो ये एक ऑफिशियल वीडियो ही समझ लीजिए कि हम ऑफिशियल तो नहीं कहेंगे, एक एजुकेशनल वीडियो है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग मेरीन में सिस्मिक सर्वे का जो काम होता है उसको कैसे करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट से लेकर डिप्लॉयमेंट आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा स्पार्कर रखा हुआ है, सोर्स है, और यहाँ पर हमारा रिसीवर है, हाइड्रोफोन। वॉइस नहीं होना चाहिए। कल दूसरा रिकॉर्ड। आज आप लोग को हम डिप्लॉय करना दिखाएंगे। ये समझ लीजिए कि जितने भी जियो फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं, मरीन जियो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल क्लास है जो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ GSI मरीन विंग के ही लोग देंगे। तो थैंक्स टू माई ऑफिस कि मुझे इतना छूट दिया है कि मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल क्लास डेमो दे सकूं। ये यहाँ पर संदीप सर जो है वो हाइड्रोफोन को जो रील है केबल उसको खोल रहे हैं, है ना। पहले इसको हम लोग हाइड्रोफोन डिप्लॉय कर देंगे, है ना। डिप्लॉय करने से पहले कुछ सावधानियाँ बरती जाती हैं, आप उसको ध्यान में रखें। सबसे पहले तो हमारा शिप का स्पीड जो है वो उसको हम लोग को कम करना रखता है, जो अभी फ़िलहाल 6 नॉट्स की स्पीड से हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं पोनानी सेक्टर की ओर। तो उसको थोड़ा सा हम लोग धीमा करेंगे जब हम लोग ये सब डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना इंस्ट्रूमेंटेशन के हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट और सबसे महंगा भी है ना, तो इसको हम लोग को बचा के रखना है। सर एक 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 वो है, आप थोड़ा सा जियोफोन का हाइड्रोफोन काउंट करते हुए डालेंगे, है ना। अच्छा ठीक है। तो इस तरह से ये खोल रहे हैं, पीछे उनके हाथ में जो एंड पार्ट है एक्चुअली वो इनपुट है, उनके हाथ में टेल रोप है जो 4 मीटर का है। और ये जो हाइड्रोफोन का केबल है ये आपका 25 मीटर का है, और ये टोटल लेंथ जो हम लोग केबल का देख रहे हैं वो 75 मीटर का है। तो टोटल हमारे पास पूरा लेंथ जो है हाइड्रोफोन का वो 100 मीटर का केबल है, पूरा एंड पार्ट से लेके इनपुट पार्ट से लेके आउटपुट पार्ट तक। तो ये इनपुट पार्ट जो है वो हम लोग पानी में भेज रहे हैं, बाद में बताऊँगा इनपुट क्यों कहा जाता है इसको। तो ये बहुत सावधानी के साथ डाल रहे हैं, स्पीड थोड़ी कम रखी गई है। स्पीड इसीलिए कम रखी गई है कि इसको अच्छे से डिप्लॉय कर दिया जा सके। ये हमारे नए पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं, अरविंद यादव सर, ये भी भूभौतिकी की विद हैं। अरविंद सर इधर गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। अरविंद सर गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। ये हमारे नीलाकंठ सर हैं जो CS हैं और डिप्लॉयमेंट में देख रहे हैं सब कुछ सही है कि नहीं। हमारा जियोफोन जा चुका है, केबल रील को हम लोग छोड़ रहे हैं, 100 मीटर कम से कम इसको जाना है ये रील में। आप इसके साथ साथ यहाँ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, सुबह होने वाली है। ये हमारे मित्र हैं कानपुर से। सर अपना नाम बता दीजिए।
हाँ अभिषेक पाल, ये हमारे मित्र हैं कानपुर से अभिषेक पाल, ये इंजन साइड से हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। ये सुंदर नज़ारा आप देख लीजिए, वहाँ से केरला कोस्ट है, सुबह हो रही है, लालिमा छाई हुई है, आसमान नीला नीला, पानी भी नीला नीला ब्लू है, पानी पानी। और ये झाग से हम लोग क्या गा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पोन्नानी सेक्टर, पोन्नानी केरला है, केरला का भाग है। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है, 100 मीटर हम लोग भेज चुके हैं और वहाँ पर संदीप सर और अरविंद सर दोनों ही बांध रहे हैं, है ना। आपको एक बात बता दें, ये दोनों यादव ब्रदर्स हैं और दोनों ही करीब का बहुत ही करीब रिश्तेदार है। तो यहाँ पे रिश्तेदारी नहीं निभाने आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये हमारे पुरु सर हाथ में डेक केबल लेके आए हैं, जिसका कनेक्शन जो है वो हाइड्रोफोन के साथ जुड़ेगा, मैं आपको कनेक्शन दिखा दूंगा। ये इसको आप थोड़ा सा घुमाना है ना, इसको घुमा के रोल कर दीजिए उधर। आ गया ये वाला। तो ये इसका कनेक्शन देख लीजिए यहाँ पर, ये इसको मिलिट्री केबल बोलते हैं, रेडी टू प्लग एंड प्ले वाला। क्लीन की है, क्लीन कर दीजिए वो वाला फिश फिश वाला, जाइए लेके आइए। ये रेडी टू प्लग एंड प्ले वाला केबल रहता है, इसमें मेल फीमेल वाला ऑप्शन है, ये इसका मेल इनपुट है ना, ये मेल वो लाने गया है और ये यहाँ पर इससे जुड़ जाता है। केवल इसको लगाना है, लेकिन लगाने से पहले इसको क्लीन करना ज़रूरी है ना। आप तब तक सुंदर नज़ारा देखिए, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ओके, ये बहुत तेज़ी के साथ हम लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, सुबह होने वाली है, मतलब हो ही गया है। ये हमारे अरविंद सर लेके आ गए हैं क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग पर्पस से। ये एक लिक्विड है जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग राजीव सर, सॉरी राजीव सर भी आ गए हैं, लेकिन मैं उनके तरफ वीडियो नहीं करूँगा, है ना, दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो इसमें वो है, ये कनेक्शन हो चुका है और इसी तरह से ये है डेक केबल, इसको 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 लूप नहीं बनना चाहिए। एस बना दीजिए ना, एस बना दो, ज़्यादा ज़्यादा जगह नहीं लेगा। नहीं नहीं, एक्चुअली लूप बनेगा ना तो वो समझ रहे क्या होगा, समझ गया ना। बस ये आ गया हमारा स्पार्कर, ये सोर्स, अब इसको भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे। इसके इसका टिप वगैरह चेक कर लीजिए, टिप कट गया है तो ठीक है, नहीं तो काटना पड़ेगा। ये टिप है, ये कैथोड है, ये स्पार्कर का पार्ट कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ पर ये ब्रास का है मेटल, इसको हम लोग क्लीन कर चुके हैं और क्लीनिंग ज़रूरी है। और ये प्री एम्पलीफायर का पार्ट जो मतलब जो है वो उससे जुड़ा हुआ है कनेक्शन, यहाँ पर ये पानी में जाएगा इसलिए ये वाला कॉन्टेक्ट में रहता है। डाल दीजिए, आपको मैं समझाऊंगा वो ब्लैक पार्ट क्या है, वो रेड पार्ट क्या है कनेक्शन में। अब ये उसमें डाले जा रहे हैं, ये लॉन्ग, ये हाई वोल्टेज केबल है और ये इसको डाल चुके हैं, इस तरह से हम लोग छोड़ रहे हैं पीछे।
हम लोग 100 मीटर के आसपास में हमने मार्किंग बनाया हुआ है, तो वहीं तक हम लोग छोड़ते हैं। बाकी केबल रील ऐसे ही कोयल रहता है, कोयल किया हुआ सांप की कुंडली बना के, है ना। ये हमने जितना हमें स्प्रेड करना था वो हमने भेज दिया है। ये भी काफ़ी लंबा है इसका लेंथ, इसको जितना हमें एक्चुअली सोर्स को थोड़ा हाइड्रोफोन के स्प्रेड से थोड़ा कम रखते हैं, है ना, नहीं बराबर ही रखते हैं, क्योंकि दोनों आसपास में रहते हैं। जैसे ही स्पॉट होता है वैसे ही हाइड्रोफोन में हमारे पास सिग्नल रिसीव हो जाता है, है ना। आप जानते हैं लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, साउंड की वे उससे कम होती है, और साउंड की वेलोसिटी पानी के माध्यम में 1500 सेकेंड किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और जब हवा में ट्रैवल कर डिस्कनेक्ट हो गया था, साउंड की स्पीड वैक्यूम में या फिर हवा में ट्रैवल जब करती है तो 330 मीटर पर सेकेंड की उसे रफ्तार रहती है, और पानी के माध्यम में जब वो ट्रैवल करती है तो 1500 मीटर पर सेकेंड के आसपास में रहती है। ये इसका लॉन्ग केबल है जो हमने सांप की कुंडली बना के कोयल किया हुआ है। इसका कनेक्शन जो है वो अंदर हाई कैपेसिटर बॉक्स से लगा हुआ है। ये साथ में डेक केबल लगा हुआ है, ये डेक केबल, और इसको ऊपर नीचे मत रखिए ना, साइड साइड में रख दीजिए, लग जाएगा नहीं तो, है ना। ये सब इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रोल रहता है। तो एक्स वाई कंपोनेंट रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लैटिट्यूडनल वेव, तो ये सब चीज़ें हैं। ओवरलैप कर जाएंगे तो नॉइज़ का रेट बढ़ जाएगा, इस वजह से उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ये हम लोग ग्राउंडिंग वाला पार्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट का, ये ग्राउंडिंग वाला जो है, ग्राउंडिंग वाला जो है उसको भेज रहे हैं, उसको टायर के नीचे से डालेंगे हम लोग, है ना, ताकि वो पानी में लगा रहे। साइड से मत भेजिए, साइड से मत भेजिए, टायर के नीचे से रखिए। अरे ऊपर वो जंप करके आएगा, वो छोड़ दीजिए ना, छोड़ते जाइए उसको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, निकालिए निकालिए, तब निकालिए, पहले उधर से निकालिए। वहाँ वहाँ पाइप, पाइप के पीछे से है, पाइप के पीछे से इसके नीचे से निकालिए। खींच लीजिए, खींच लीजिए, डाल दीजिए, डाल दीजिए। बहुत सावधानी के साथ काम करना पड़ता है, तार में किसी भी पैर फंस सकता है, इसलिए पूरा व्यवस्था को देखते हुए इसको स्प्रेड करना होता है, कि किसी का पैर फंसे नहीं, लड़े नहीं, चोट लग जाएगी तो। यहाँ पर फर्स्ट एड का सुविधा है नहीं बहुत ज़्यादा, तो अगर गंभीर चोट किसी को लग गई तो फिर हम लोग को वापस ही पोर्ट पे जाना पड़ता है, इसीलिए इन सब बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। ये स्प्रेड कर दिया, उसको टायर के नीचे रख दीजिए ना सर, प्लीज़, टायर के नीचे, अरे वो जंप करके जितना स्पीड जाएगा वो ऊपर आता है ना, इसलिए वो सपोर्ट करेगा नीचे रखने के लिए। आपका इससे टच टच पड़ता है, इससे टच नहीं होता, तो नहीं टच होता है सर, सुनाइएगा। नहीं तो एक वेट ले लीजिएगा, वेट लगा देंगे उसमें, वेट नहीं, तो उधर से करते रहते तो ऊपर भी आता है, वेट है। नहीं सर, जंप करता है सर, जंप करता है, नहीं फाइव नॉट नहीं करता, अभी आपका सिक्स से ज़्यादा नॉट है, कहाँ जंप करता है, ये हमने सिक्योर कर दिया है केबल, और इसको सही से लगा दिया है, अब पैर में नहीं फंसेगा, होप सो, और ध्यान दे के लोग चला करेंगे, है ना। हाँ, हमने डिप्लॉय कर दिया है, सब खाली हो गए हैं, बस अब सेक्टर पे पहुंचना है। ये हाई टेंशन केबल का आप इनपुट दे, आउटपुट देख लीजिए, इनपुट है ये, और डेक केबल का आउटपुट वाला है, बिना वॉइस वाला एक रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जैसा बोले वैसा करेंगे, बिल्कुल वॉइस वाला नहीं चाहिए।
तो इसके बारे में मैंने पिछला ठीक है मेरा तो हम तो पहले ही बोले मेरा आवाज़ तो इतना कर्कश है कान में छेद हो जाएगा किसी का। ये तो मेरे दोस्त है जो बर्दाश्त कर लेते हैं इसीलिए बोल देता हूँ यहाँ पे। तो इसका ऑपरेशन सारा कुछ दिखा दिए है, फिर भी दोबारा दिखा देंगे इसको, है ना। वहाँ ये इसका मेन स्विच है, यहाँ से ऑन करेंगे, ये इसका इनपुट है, यहाँ से यहाँ पर ठीक है सर। ये अभी वहाँ से डीसी मिलेगा, यहाँ पे एसी में कन्वर्ट होके वो हम लोग को मिल जाएगा एनर्जी, इस सोर्स को एनर्जी मिल जाता है। फिर ये सोर्स जो है अंदर के कैपेसिटर बॉक्स में जो भी कैपेसिटर्स लगे हैं उनको चार्ज करने के लिए यहाँ से हम लोग एनर्जी सिलेक्ट करते हैं। 100 से 6000 जूल इसका रेंज है, और जो हम लोग मॉडल यूज़ कर रहे हैं स्पार्कर का, जिसमें 25 के सीरीज में दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, 50 टोटल 50 इलेक्ट्रोड्स हम लोग ब्लास्ट करते हैं एट अ टाइम। तो हम लोग इसमें 200 से 500 का ऑपरेशन रेंज है एनर्जी का, तो हम लोग यहाँ पे 300 सिलेक्ट किए हैं ऑप्टिमम। और ये है जो डिस्चार्ज में ये पार्ट यूज़ होता है, जब हम लोग यहाँ से एनर्जी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको वैलिड कर देते हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा डिस्चार्जिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे प्री एम्पलीफायर है, पूरे सर थोड़ा प्री एम्पलीफायर दिखा दीजिएगा। वो छोटा सा बॉक्स है ब्लू वाला, अभी चार्जिंग में लगा हुआ रेड लाइट के साथ, जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, इसको स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो ट्रिगर देना शुरू करेगा, फट फट की आवाज़ आती है, पिछला वीडियो में सुनिएगा देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये डेक केबल जो है जो हाइड्रोफोन से लगा हुआ है, इसका आउटपुट जो है वो ऐसे करके जा रहा है, यहाँ पे लैट लॉन्ग भी लगा हुआ है, मतलब ये हमारा DGPS है एनीमिया का। तो ये वाला पार्ट ऐसे डेक केबल ऐसे 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 जा रहा है, ये हमारा सेक्टर है जहाँ पे आना है। तो ये आता है सीधा इधर, ये हमारा प्री एम्पलीफायर है, ये इसका आउटपुट है। तो ये कंट्रोल करता है हाइड्रोफोन को भी, और ये कंट्रोल करता है हमारा सोर्स को भी। तो ये हमारा मॉनिटर है, यहाँ पे हम लोग डाटा रिकॉर्ड देखते हैं, और ये हमारा रिकॉर्डिंग बॉक्स है जो कंप्यूटर है CPU, और यहाँ पर हमारा डाटा रिकॉर्ड होता है। इसका एक एडिशनल है यहाँ पर जो हम बैथीमेट्री रीडिंग लेते हैं, ये डाटा लॉगर है बैथीमेट्री का, एनीमिया का हम यूज़ कर रहे हैं रेडियन बैथीमेट्री, है ना। और इसी तरह का एक ये रिपीटर है, इसका ओरिजिनल इसके पीछे वाले कंटेनर बॉक्स में है, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जितने भी मेरे जियोलॉजी फ्रेंड हैं जो अभी मेरिन में काम कर रहे हैं, और जो भी जियोफिजिक्स वाले हैं जो मेरिन में काम कर रहे हैं, जब सऊदी काम आएंगे तो कृपया ये ध्यान रखें कि ये डाटा लॉगर अभी 2 से 16 GB का पेन ड्राइव जो है वो सपोर्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा का नहीं कर रहा है। अब बीच बीच में ये वाला जो डाटा रिकॉर्डर है वो प्रॉब्लम करता है, नॉट कनेक्टेड दिखाता है, तो उसको एक बार ऑफ करके ऑन करके इस डाटा को वापस डंप करके दोबारा से इसको लगाएंगे, है ना। इसके पीछे जो सेडिमेंट कंटेनर है उसका डाटा लॉगर सही है, उसमें भी 2 से 16 GB का पेन ड्राइव सेलेक्ट कर रहा है, 2 से 16 GB का पेन ड्राइव जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और वो वाला ओके पोजीशन पे, वो ज़्यादा अच्छा है, वो इसका वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो लंबे समय तक है। ये वाला बीच बीच में प्रॉब्लम करता है, डाटा कभी कभी जो है वो डेप्थ गलत बताता है, उस वाले पे थोड़ा सही रहता है। तो ये हमारा सारा सेटअप तैयार है, हम लोग लाइन पे आने के लिए तैयार हैं। ये अभी चार्ज हो रहा है, अब इसको एक बार ऑफ करके देख लेते हैं ये चार्ज हुआ है कि नहीं। तो ये हुआ ग्रीन लाइट, ये इसका मतलब है ओके चार्ज हो जाएगा, और इस ये हम कर देंगे ऑन तो ये ब्लिंक हो जाएगा, तो ये ट्रिगर करने के लिए तैयार है ओके। तो ये अभी हम लोग 4 पे छोड़ दे रहे हैं, ये वाला ऑपरेशन बता दिया, यहाँ से पैरामीटर लेके सारा कुछ रेडी कर देते हैं। ये हम लोग का ऑलरेडी हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं सही जगह जा रहा है कि नहीं, फाइल नंबर सही दिया है कि नहीं, सब कुछ सही है। अब केवल हम लोग को यहाँ से ऑन कर देना है, डाटा एक्विजिशन शुरू हो जाएगा। हाँ, लॉगिंग अभी स्टार्ट कर देंगे, एक्विजिशन और टेस्टिंग पे डाल दीजिए एक्विजिशन को, हम लोग एक्विजिशन को टेस्टिंग पे डाल रहे हैं, ले लीजिए नहीं ना। हाँ भाई बोल रहे हैं,
एक्विजिशन हम लोग टेस्टिंग पे डाल रहे हैं, ये देखिए वहाँ से ऑफ करके ऑन किया था तो यहाँ पे आ गया पावर। यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं जूल 300 को सेलेक्ट करेंगे और ये किया इन्होंने वैलिड और वहाँ से बिलिंग स्टार्ट हो गया। इट इज़ रेडी फॉर एक्विजिशन। आप करेंगे शुरू की, ये डाल दिया है। ये अब शुरू, देखिए बिग क्लैप फॉर आवर अरविंद सर, बहुत अच्छे से इन्होंने किया। वहाँ से हमने लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, डाउट रहता है थोड़ा सा, चार दिन फिर शुरू नहीं होने तक। ये देखिए अब रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है, पहले कर दिया, ये रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है, है ना। हम अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्विजिशन कर रहे हैं। ये अभी देखिए एक्विजिशन स्टार्ट हो गया है, तो ये यहाँ से ग्रीन ब्लिंक हो गया है, ओके है। जब लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे नॉट कनेक्टेड है, नॉट स्टार्टेड है, लॉगिंग भी ग्रीन हो जाएगा, नेविगेशन सही चल रहा है, तीनों हरी बत्ती हो जाएगी तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारे CS नीलकंठ सर, इनके चेहरे पे बहुत खुशी है, चेहरे पे बहुत राहत है क्योंकि हमारा एक्विजिशन जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, चेहरे पे एक बार स्माइल मार दीजिए कि आप सेटिस्फाइड हैं काम से। ओके थैंक यू। तो अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, सब हैप्पी हैप्पी है। इस बार भी हम लोग अपना टारगेट जो है कंप्लीट करेंगे, है ना। और मैं ऐसे ही लगातार वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगा, तो कहीं जाने का नहीं, यही हमारे साथ में। हाँ कुछ डाउट्स अगर रह गए हैं अभी भी तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, खासकर वे बडिंग जियोफिजिक्स जो नए नए मरीन में आए हैं, चाहे वो ईस्ट कोस्ट में है, चाहे वेस्ट कोस्ट में है, चाहे जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो ये ऑपरेशन देख के अपने आप को